की अब हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हमको समझ में आ गया वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव करता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्या मतलब है इस बात का, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जहां पर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब इसमें दो चीजें जो है एड ऑन हो रखी है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हम क्या कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट में एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये एक कार है, अभी ये आपके घर में खड़ी है, ये होम है, यहाँ पे ये कार खड़ी हुई है, ठीक है। जो भी इसे कार को चलाना चाहता है उसने क्या किया, उसने इस कार को स्टार्ट किया। अभी कार की वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो, वेलोसिटी जीरो, ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुछ जीरो है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जहां पर चीज की स्टार्टिंग हम ले रहे हैं, दैट इज इनिशियल। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी घर पे, दैट इज जीरो। अब धीरे 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 ये कार चलनी स्टार्ट हुई आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है, इस कार की वेलोसिटी बढ़ करके 10, लेट सपोज 100 हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो से 100 पे पहुंच गई, जो वेलोसिटी थी वो क्या हुई, जीरो से 100 पे पहुंच गई। कैसे पहुंची, जैसे ही कार को हमने स्टार्ट किया तो वो चलना शुरू होगी, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू होगी, उसने 10 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ठीक है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 100 मीटर आ जाएगी, जीरो से 100 मीटर हो गई। अब क्या होता है, अब जो एक्सेलरेशन है उसकी बात आती है, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। एक टाइम ऐसा था जो वेलोसिटी जीरो आ रही थी, एक टाइम ऐसा हो गया जो वेलोसिटी 100 आ रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। दोबारा से बता रही हूँ, कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पे टाइम भी जीरो था, यहाँ पे टाइम 10 था, 10 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 100 पे पहुंच गई जीरो से, तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, ठीक है, वही बात है। अब हम कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 100 थी माइनस जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए फाइनल हमारी 100 माइनस जीरो डिवाइड बाय 10, तो क्या निकल के आएगा, 10, 100 में से जीरो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम दो बार आता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी दूसरी चीज है, हमारी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में कब जाती है, तो बच्चों जब हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाती है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज रिटार्डेशन, उसको ही हम क्या बुलाते हैं, रिटार्डेशन। अब लेट सपोज ऐसा हो रहा है, हम कहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं, हमने जब कैलकुलेशन की, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, वही कार है हमारी, उसने चलना शुरू किया, चल रही है, 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 ठीक है। यहाँ पे उसकी मैंने मान ली वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे एक बच्चा आ गया उसके आगे, तो कार ने ब्रेक मार दिया, ब्रेक क्या मार दिया, ब्रेक मारते ही उसकी वेलोसिटी कहाँ चली गई, 0 मीटर पर सेकंड पर, है ना। अगर ब्रेक लग जाएगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसकी स्पीड चलने की 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगते ही कार रुक जाएगी। 100 मीटर से 0 मीटर पे आ गई एकदम से। अब मुझे जो है वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है,
तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों 100 और मेरी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो गई 0 डिवाइड बाय टाइम। लेट सपोज यहाँ 10 मिनट हुए थे, ठीक है, तो हमारा जो टाइम है उससे हमने डिवाइड कर दिया 10 से। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, कट करना पड़ेगा, गलत हो गया, क्या तो दोबारा बोल रही हूँ, पॉज नहीं किया ना तुमने,